स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती की अहम बैठक। इजलास में आर्मी चीफ DGISI समेत असली हुकाम शरीक शहबाज से बिलावत भुट्टो सरदारी और वज़ीरे आला की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी लीडर से इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म की सदारत में अशिया की कीमतों में मुतालिक इजलास। चीनी के स्टॉक और कीमतों के हवाले से ब्रीफिंग। मुल्क में वाफर मकदार में चीनी मौजूद है। सिंध में शुगर मिल्स की बंदी से कीमतें बढ़ी। ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई के असरात का मुकम्मल एहसास है। ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुनाफाखोरी और ज़खीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों फील्ड में नजर आए। हुकूमत कालादम जमात के मुआहदे से मुतालिक पार्लिमान में बताए हर चीज खुफिया है। हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया है। कालादम जमात को फहरिस्त से निकालने पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। फवाद चौधरी ने आधा छह माह तक मुश्किल वक्त रहने का कामयाबी दिया। कहा आज हम दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात हैं। सियासी मुखालफीन का काम मायूसी और झूठ फैलाना है। पाकिस्तान किसी अलहदा सियारे से नहीं है। हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल हो चुकी है। तामीराती सेक्टर पूरी तरह फाल है। ज़रई मुएशत खुशहाल और आज ही एक्सपोर्ट्स में 3 गुना इजाफा हुआ। कौम जानना चाहती है चीनी की फी किलो कीमत 103 रुपए का टेंडर क्यों मंसूख किया। किसान जानना चाहता है खाद की बोरी 8,200 रुपए में क्यों मिल रही है। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल का वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी के बयान पर रद्दअमल। सियासत में सब कुछ मुमकिन है। सियासत में कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता। PDM और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट की हुकूमत के खिलाफ एक ही मौकफ है। अब इस्तीफे से मुतालिक हमारी बात को ही फॉलो किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का बयान। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है वो ये है कि ये हमारी जो यूथ है इसको हर वो चीज सहूलत दी जाए जिससे ये इस मुल्क की खिदमत कर सके। तो इसी सिलसिले में उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ उस्मान डार। ये भूल जाएं कि टैक्स नहीं देना, अब टैक्स सबको देना होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने साफ साफ बता दिया। कहा अगर टैक्स नहीं देंगे तो कैसे तरक्की होगी। टैक्स दहिंदगान को कोई खिरासा नहीं करेगा। 60 की दहाई में पाकिस्तान चौथी बड़ी मुआशी ताकत थे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 8 लाख से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। अक्टूबर 2021 तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 2 अरब 67 करोड़ डॉलर मुंतकिल। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 1 अरब 83 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। अब तक 175 ममालिक से रोशन डिजिटल अकाउंट खोले गए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तादाद 2,73,411 तक पहुंच गए। नए अकाउंट से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम तरसील हुई। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 3 माह का शेरा मुनाफा 5.5% स्टेट बैंक। बलोचिस्तान हुकूमत में काबीना की तश्कील और इतिहादियों में खिलाफ। PTI के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिद ने खलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना में 2 वजीर पश्तून हैं। कोई खातून वजीर काबीना का हिस्सा नहीं। साबिक वजीर आला जाम कमाल खान हुकूमत के बाद अरकान काबीना से बाहर हैं।
जमीन फटी न आसमान गिरा। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में मेट्रो बस के वॉशरूम में 11 साल बच्ची की लाश बरामद। बच्ची की लाश पर तशद्दुद के निशानात, पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। मेट्रो बस स्टेशन फिलहाल फाल नहीं। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरपाही में टीम तश्कील, तजवान इस्लामाबाद पुलिस। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात, जमात इस्लामी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पनामा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब किया जाएगा। दरख्वास्त में सजा। दसका जिमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून ने मामला पंजाब असेंबली में उठा दिया। वजीर आजम और वजीर आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। नून लीग रुकन हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई। NA-75 दसका के जिमनी इलेक्शन में हुकूमती मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने दसका जिमनी इलेक्शन में बेदरेक रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया। वजीर आजम और वजीर आला फौरी अहदे से मुस्ताफी हो मुतालबा। लाहौर की ओपन मार्केट में इम्पोर्टेड चीनी 90 रुपए फी किलो में दस्तियाब। मार्केट में इम्पोर्टेड चीनी फरोख की जा रही है। इम्पोर्टेड चीनी का 50 किलो वाला थैला 4,350 रुपए का है। दो रोज से अधूरी मंडी में मुकामी चीनी दस्तियाब नहीं। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन महंगी चीनी फरोख करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन चार्ज। स्मोक ने लाहौर को फिर घेर लिया। ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 हो गया। नई दिल्ली के बाद सूबाई दारुलहुकूमत दुनिया को दूसरा आलूदा तरीन शहर करा। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ केनाल रोड पर AQI 528 रिकॉर्ड। अनारकली में आलूदगी की शराह 470 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद टाउन के विक्टर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 हो गया। डेंगू जान निकलने लगा। मुल्क भर में केसेज और अमवात में इजाफा। मरीजों को मुश्किलात का सामना। पंजाब में डेंगू की जांच। अफराद की मजबूत तादाद 63 हो गई। इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा में भी डेंगू के केसेज में तेजी से इजाफा। अस्पतालों पर दबाव पड़ गया। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 20 मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के मजीद 244 मरीज रिपोर्ट। पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा। मजीद 167 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। हर वक्त इकदाम के नतज। कोरोना की शिदत में मुसलसल कमी। वायरस ने मजीद 9 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजबूत तादाद 28,547 हो गई। गुजरात 24 घंटों के दौरान 449 नए केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में तफ्तीश का केसेज की तादाद 12,70,107 हो गई। मस्बत केसेज की शराय के शारिया 0.7% रिकॉर्ड NCOC। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC का 12 से 18 साल तक के तलबा की वैक्सीनेशन मुहिम पर इजहार इत्मीनान। तलबा की वैक्सीनेशन के लिए स्कूल इंतजामिया और वालदैन तक पहुंचा जाए। वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए भी इकदाम में तेजी लाया जाए। NCOC का कोरोना मस्बत शरह में कमी पर कराची तहसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफ़ाक़ी काबीना का इजलास कल बुला लिया। महंगाई की सूरत हाल समेत नॉन काती एजेंडा ज़ेरे गौर होगा। वफ़ाक़ी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगा। काबीना को वज़ारतों में CEOs और MTs की खाली नशस्तों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
आसिफ जरदारी ने अमरीका में जायदाद से मुतालिक नैब तहकीकात का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच कल समाप्त करेगा। आसिफ जरदारी ने कल अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। नाजम जोकियो कातिल केस तीन मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में तीन रोज तोसी। मुलजमान में भी पार्टी के रुकन से निसामली जाम अवैस को हराम और दीगर शामिल। दो मुलजमान मफरूज को गिरफ्तार करना है। मुलजमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। मजीद रिमांड दिया जाए तफ्तीशी अफसर की सलाह। मुबशर खोकर कत्ल केस पुलिस की तहकीकत मुकम्मल करके चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। चालान में मरकजी और शरीक दो मुलजमान नामजद। प्रोसिक्यूशन का चालान पर एतराज। कत्ल वाकये की वीडियो और शवाहिद भी चालान के साथ लगाने की हिदायत। शादी की तकरीब में सूबाई वजीर के भाई पर फायरिंग की गई। फायरिंग से मुबशर खोकर जाबाक हो गए थे। शादी की तकरीब में वजीर आला समेत अहम शख्सियात शरीक थी। चालान पाक बहरिया में कमांडर कोर्ट की तब्दीली कमान की तकरीब का इनेकाद वाइस एडमिरल जाहिद इलियास ने कमांडर रियर एडमिरल जावेद इकबाल के हवाले कर दी। तकरीब में नए तैनात कमांडर कोस्ट गार्ड को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रियर एडमिरल जावेद इकबाल ने 1990 में पाक बहरिया की मेन में मिशन हासिल किया था। मुतादिद कमांड इंसाफ अहदों पर तैनात रह चुके हैं। रियर एडमिरल जावेद इकबाल को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा जा चुका है। तर्जमान पाक बहरिया। अमरीकी बहरिया के साथ कशीदगी। ईरान ने बड़े पैमाने पर बहरी मशकों का आगाज कर दिया। तमाम मुसल्ला पांच मशकों का खिस्सा। जंगी मशकें जुल्फकार 1400 का मकसद अपनी सलाहियतों को जांचना है। मशकों में ईरानी जंगी तैयारे ड्रोन हेलीकॉप्टर्स बहरी जहाज और आपको से शामिल ईरानी मीडिया।